हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी। काफ़ी टाइम बाद मैं, सोना, किट्टा, शिवाय एक साथ फिर से, और हम जा रहे हैं कहीं घूमने। और ये है हमारे स्वीट सी ड्राइवर अंकल। ये हमसे बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था इनसे बात करके। और ये है मेरा बेटा शिवाय, जो कि बहुत मज़े कर रहा है हम सबके साथ। तो एवरीवन, चलते हैं उस जगह में जहाँ मैं आज आप सबको भी ले जाऊंगी, और मैं खुद काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। तो चलिए। लतिका में स्वागत है। आज हम आए हैं शिमला के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जाखू में, जैसे आपको पता लग गया होगा। और आज मैं आपको जाखू मंदिर एक्सप्लोर करने वाली हूँ, और देखते हैं बाकी। मैं काफ़ी टाइम, मतलब मैं भी कुछ 4 साल के बाद आ रही हूँ जाखू टेम्पल, सो आपको भी दिखाती हूँ अपने साथ। तो चलिए। यहाँ पर शिवाय को आ गए थे छोटू छोटू से हनुमान जी, काफ़ी पसंद, तो हमने यहाँ से लिए। अब जो आपको मैं मेन मंदिर दिखाऊंगी, वहाँ पर बजरंगबली की पूजा की जाती है गाइस, तो देखिए। ठीक है निकाल दो। हिमाचल की राजधानी शिमला में स्थित जाखू मंदिर के यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं दर्शन करने के लिए, और अलग ही सुकून है। देखिए, हर मंदिर में जाओगे अलग सुकून है, तो यहाँ पर भी बहुत शांति। एक तो काफ़ी हिल पे है ये, और बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है। और ये है वो विशाल सुंदर प्रतिमा जो 108 फीट ऊंची है। देखिए, ये देवदारों के पेड़ से भी ऊपर की ओर दिख रही हैं आपको, तो सच में देवदार के पेड़ नीचे दिखाई देते हैं। अगर इस विशाल प्रतिमा को नीचे से देखोगे तो ये आसमान को छूती हुई नज़र आएगी, और इतना सुंदर काम किया गया है। उफ, आप खुद देखिए कितना सुंदर तरीके से काम किया गया है, कितनी सुंदर तरीके से ये प्रतिमा बनाई गई है, काबिले तारीफ। तो एवरीवन, जो आपको ये हनुमान जी की विशाल और बहुत खूबसूरत प्रतिमा दिख रही है, मूर्ति दिख रही है, वो 108 फीट ऊंची है। और यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री बोली जाती है, जब राम रावण जी का युद्ध का समय था, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय की ओर आए थे, और हिमालय की ओर आते होते आकाश में उड़ते हुए उन्हें यहाँ पर याकू नामक जो ऋषि थे वो तपस्या करते हुए दिखे थे इस जगह पर। और वो आकाश में उड़ते उड़ते यहाँ पर उन्होंने वो उतरे, और जैसे ही वो उतरे, ये जो जिस पहाड़ी पे याकू नामक जो ऋषि थे ना, वो तपस्या कर रहे थे, तो ये पूरी पहाड़ी धस गई, जहाँ पर अब ये पूरा मंदिर बना है, ये प्रतिमा जो स्थापित हुई है वहाँ पर, और पूरी पहाड़ी धस गई। और जहाँ अभी मैं यहाँ पर पूछूँगी, जहाँ पर उन्होंने अपने कदम रखे थे वहाँ पर अब उनके पद चिन्ह भी है ऐसा कहा जाता है। तो याकू ऋषि के नाम से ही ये जगह पहले याकू नाम से प्रसिद्ध थी, फिर धीरे 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 जैसे समय बदलता गया तो इस जगह का नाम जाखू पड़ गया। और ये देवदारों के पेड़ों के बीच घिरा हुआ एक बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर मंदिर है गाइस। तो मैंने आपको दिखा दिया, आज हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बस अभी हमें फ़ोटोज़ लेनी है। और बाबू, यहाँ पर जो वो पैरों के निशान है ना, वो कहाँ पर है? इसके अंदर है? अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। ये जो यहाँ पर ये छोटू सा मंदिर है ना, तो इस जगह पे जब वो आकाश से उतरे,
तो उनके पैरों के निशान यहाँ पर, एक मिनट में आपको। तो जो ये आपको अंदर संगमरमर के पत्थर दिख रहे हैं और उस पर पद चिन्ह बनाए गए हैं, यानी कि पैरों के चिन्ह बनाए गए हैं, इसी जो ये ब्लैक कलर का डाइसिस बनाया गया है, इसके नीचे हनुमान जी के पैरों के निशान पाए गए हैं। तो मंदिर तो ओपन नहीं होगा, मंदिर तो अभी मतलब सारे बंद है, बार बार से दर्शन हो रहे हैं, जितना भी मुझे पॉसिबल हो आपको दिखाया, फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर ये जो इतनी 108 फीट लंबी जो ऊंची प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है। तो अब हम फोटोग्राफ्स लेते हैं और मैं आपको थोड़ी सी वीडियो और शूट करके। हाँ जी बाबा, हाँ। अच्छा, आपको मैं इस विशाल प्रतिमा की एक और खासियत बताती हूँ। आप शिमला में किसी भी जगह पे होंगे, किसी भी जगह पे होंगे तो आपको ये प्रतिमा आपको दूर से दिखाई देगी, मतलब इसका जो इतना टॉप है उतना दिखाई देगा। और जब खासकर स्नोफॉल होती है ना, देवदार के पेड़ में सारे तरफ स्नोफॉल होती है ना किता, और ये प्रतिमा की इस पर टिकती नहीं है स्नोफॉल, है ना, और ये ऑरेंज अलग लुक देगा और वो वाइटिश जो चादर रहेगी स्नोफॉल की जो देवदार के पेड़ों पर रहेगी वो अलग ही लुक देगी। तो गाइज, आज का व्लॉग ये छोटा सा था, मैंने आपको दिखाना था जाखू टेम्पल, हम आए थे जाखू टेम्पल। तो आज का व्लॉग इतना ही था, छोटू सा था, स्किप मत करना, कट मत करना, वीडियोज़ पूरी देखना। नए हो मेरे चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना, अगर नए भी नहीं हो और मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जो मेरी वीडियोज़ रहती है जो मैं नेक्स्ट भी पोस्ट करने वाली हूँ जल्दी ही, तो वो भी आपको टाइम से मिले। अब मैं आपको बाय बाय करती हूँ। शिवा किता बाय, मम्मी बाय। तो मैं अपनी डालो से भी आपसे मिलाती हूँ अब लास्ट में। डालो तो हनुमान जी की, अब तू कहाँ भाग रही है? हाँ जी, रुक जाओ। तो डालो भी अब आपको बाय करेगी। तो बस अब हम कहाँ है, मंकी दिखा रहा है ये? हाँ, तो गाइस ठीक है, एवरीवन बाय बाय, अपना ख्याल रखें बिल्कुल अच्छे से। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलूंगी। आप सबकी शिव लतिका, आज जाखू टेम्पल को दिखाया, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा जाखू टेम्पल। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो फुल देखना। बाय। बजरंगबली की जय हो, बजरंगबली का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप सबकी शिवलतिका।